नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शेयर बाजार में 70 साल में पहली बार एंटाइटलमेंट अर्थात शेयर खरीदने के हक की भी ट्रेडिंग शेयर की तरह हुई। इसमें रिलायंस के 2.91 करोड़ राइट टू एंटाइटलमेंट शेयर की ट्रेडिंग हुई, जिसमें एंटाइटलमेंट ने मूल शेयर को पीछे छोड़ दिया। एमएसएमई उद्योगों को 31 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा और उन्हें 9.25% पर कर्ज मिलेगा। इस योजना के तहत वे सभी उद्यम पात्र होंगे जिन पर 25 करोड़ रुपए तक का कर्ज बकाया है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें भी होम डिलीवरी और ई रिटेल के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए। कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री बंद होने से 2.5 करोड़ लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बीएससी शेयर बुधवार को 642.44 अंक बढ़ा। निफ्टी में भी 187 अंक की तेजी देखी गई। अमेरिकी कांग्रेस के इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर ने कोविड-19 के वैश्विक आर्थिक प्रभावों के बारे में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत, चीन और इंडोनेशिया में सकारात्मक ग्रोथ दर्ज होगी, बाकी देशों में अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।